रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है। इस अधिवेशन का उद्घाटन करने के लिए हमें जो प्राप्त हुए, जो हम हमारा भाग्य समझते हैं, देश के गृह मंत्री सम्माननीय राजनाथ सिंह जी, पार्टी के अध्यक्ष और देश भर के दलित समूहों के सवालों में काम करने वाले एक जे नेता सम्माननीय रामदास जी आठवले, पार्टी के सरचिटनीस मोहनलाल पाटिल, उपस्थित प्रिय दोस्तों, प्रिय साथी, ये बहुत बड़ी बात है कि आज राजनाथ सिंह जी के हाथ से अब हम लोग पार्टी के इस खुले अधिवेशन का ओपनिंग करने जा रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी जिसकी संकल्पना डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दी थी और संविधान लिखने के बाद जिन्होंने पूरे देश को एक खुला पत्र लिखकर, जो उस खुले पत्र के द्वारा जिन्होंने देश भर के लोगों को अपील किया था कि संविधान को यशस्वी बनाने के लिए, देश की स्वतंत्रता संभालने के लिए और देश को पूरे दुनिया में एक अग्रेसर बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत है, वो रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना करने का एक आह्वान उन्होंने लोगों को किया। उस वक्त के बहुत बड़े नेता राम मनोहर लोहिया जी से भी उन्होंने यह अपील की थी और वो रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण होने के बाद उनके कार्यकर्ताओं ने स्थापित की। इस पार्टी की विशेषता यह है कि इस पार्टी तमाम शोषित और शोषित समूह के सवालों पे काम करती आई है। इस पार्टी की पॉलिटिक्स में ज्यादा ताकत नहीं रही कि जो हम लोग लोकसभा में हमारा ज्यादा प्रतिनिधित्व भेजे या विधानसभा में प्रतिनिधित्व भेजे, ये नहीं रही, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का जो एजेंडा है वो एजेंडा पे बाकी सारे पार्टियों को काम करना पड़ता है। ये इस पार्टी की विशेषता है और ऐसी पार्टी के आज यहाँ पे उद्घाटन में सम्माननीय राजनाथ सिंह जी हमें प्राप्त हुए, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उनका स्वागत करते हुए आज जो पार्टी के सम्मेलन में हम लोगों ने बहुत से ठराव पारित किए हैं, जिसमें देश की सरकार रिपब्लिकन पार्टी के जो नेता है रामदास आठवले, जिन्होंने पार्टी का नाम पूरे देश में फैलाया है और वो रामदास आठवले ने जो निर्णय लिया था, जब भारतीय जनता पार्टी ये देश की सत्ताधारी पार्टी बनती है या नहीं इसके बारे में ज्यादा किसी को संभावना नहीं थी, उस वक्त हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का निर्णय लिया और जब सत्ता में आए निश्चित रूप से रामदास आठवले जी को मंत्री बनाए हैं। सम्माननीय पंतप्रधान जी जो निर्णय ले रहे हैं, एक तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हमारे कलेजे का टुकड़ा है, बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान के बारे में भी जो काम किया है पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने, वो उसके भी बारे में हम लोगों ने रिजोल्यूशन करके उनका अभिनंदन किया है। इंदू मिल में बाबा साहब अंबेडकर का स्मारक होना, लंदन का बाबा साहब अंबेडकर का घर जिसका एक अंतरराष्ट्रीय स्मारक बनाना, दिल्ली में बाबा साहब अंबेडकर फाउंडेशन का काम खड़ा करना, ये सब बाबा साहब के सम्मान के बारे में जो किया, एक रिकॉग्निशन सारे देश की तरफ से माननीय पंतप्रधान जी ने दिया है, हम उनका आभार व्यक्त किया है। और शोषित वंचित समूह के सवालों पे काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हम ताकत देने के, उनके साथ खड़ा रहने का हमने ऐलान किया है। मैं इसी के साथ मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। जय भीम।